कोलकाता के एसएन बनर्जी रोड पर एक विस्फोट ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। इस विस्फोट में एक शख्स घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए एनआरएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना दोपहर 1:45 पर तालतलार पुलिस स्टेशन के पास घटी। पुलिस को जानकारी मिली कि एक कचरा उठाने वाला व्यक्ति, जिसकी पहचान बापी दास के रूप में हुई, इस विस्फोट में घायल हुआ है। उसकी दाहिनी कलाई पर चोट लगी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह विस्फोट एक प्लास्टिक की बोरी में हुआ, जो सड़क के किनारे पड़ी थी। पुलिस ने घटना स्थल को घेर लिया और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड यानी BDDS टीम को बुलाया। टीम ने मौके पर मौजूद बैग और अन्य वस्तुओं की जाँच की, जिसके बाद सड़क पर यातायात को बहाल किया गया। घायल व्यक्ति बापी दास, जिसकी उम्र 58 साल है, हाल ही में SN बनर्जी रोड के फुटपाथ पर रहने लगा था। उसने पुलिस को बताया कि उसका कोई स्थायी पेशा नहीं है और वह इधर उधर घूमता रहता है। फिलहाल डॉक्टरों के कहने पर पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया है। विस्फोट की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। यह विस्फोट ऐसे समय में हुआ जब RG कर मेडिकल कॉलेज के पास डॉक्टर की हत्या और रेप की घटना के बाद से जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे 2 दिन पहले भी RG कर अस्पताल के पास एक संदिग्ध बैग मिलने से अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन उसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।